वेल स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग जो है सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली दिस इज माइटोसिस। एक्चुअली जो है सेल्स के अंदर डिवीजन का दो प्रोसेस होता है, माइटोसिस एंड मायोसिस, जिसके बारे में आप लोगों ने जो है बुक में देखा भी होगा। माइटोसिस जो है वो प्रोसेस है जिससे कि हमारे सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिन सेल्स से हमारी बॉडी बनी है इन सेल्स के फॉर्मेशन में जो है के लिए जो है माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, मायोसिस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारे जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग जो है इस एक्टिविटी को शुरू करेंगे एक सिंगल सेल के साथ, और फिर हम देखेंगे कैसे जो है माइटोसिस और सेल डिवीजन जो है वो होता है। इसमें जो है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, इन सभी स्टेप्स को जो है हम फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर जो है सेल साइकिल के लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड डेटा को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर 12 आवर नहीं, मैं सेल साइकिल लेंथ को घटा के 6 आवर से करता हूँ। ये 6 आवर में जो है एक सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस। अब बगल में जहाँ हमारे सेल्स का डिवीजन चल रहा है, राइट ना, टाइम भी आगे चल रहा है और सेल का डिवीजन चल रहा है, इन द मेन टाइम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल साइकिल जो है बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ जहाँ पर कि एक सेल जो है उसका डिवीजन एक सेल के डिवीजन से अगले सेल डिवीजन तक का जो है टाइम बीतता जो है, राइट, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल में 3 मेन स्टेजेस होते हैं, इंटरफेज, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। ओके, नाउ इंटरफेज जो है वो स्टेज हुआ जहाँ पर कि सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है और मैच्योर होता है। इंटरफेज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, G1, S1 एंड G2। G1 जो है वो मेन स्टेज हुआ जहाँ पर कि सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। एस फेज जो होता है, एस फेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, चलिए अब सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया है जिसको हम थोड़ा सा रोक देते हैं, है ना, ढेर सारा सेल डिवीजन हो चुका है। तो एस फेज जो है वो फेज होता है जहाँ पर कि सेल के अंदर जो क्रोमेटिन मौजूद हैं, क्रोमेटिन फाइबर में मौजूद जो डीएनए है इनकी कॉपीइंग होती है। ओके, तो जीवन में क्या हुआ, सेल का मैक्सिमम ग्रोथ हुआ, राइट, और सेल के मैक्सिमम ग्रोथ के साथ साथ क्या हुआ, सेल का डेवलपमेंट हो गया। जितना बड़ा होना था सेल को हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो सेल के फंक्शनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए अब सेल डिवीजन का रास्ता खुलेगा यहाँ से। S1 फेज में क्या होगा, तो S1 फेज में जो क्रोमैटिन में मौजूद जो डीएनए है उस डीएनए की जो है कॉपी तैयार हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद G2 का जो स्टेज है इसमें जो है ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होती है। ओके, अब हम आगे मूव करें प्रोफेज। यहाँ से जो है माइटोसिस का प्रोसेस अब शुरू हो गया। इंटरफेज के बाद जो है आपका माइटोसिस शुरू होता है जिसका पहला स्टेज है प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होते हैं, ओके, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और क्रोमेटिन फाइबर्स जो थे सेल के अंदर वो जो है कंडेंस होके क्रोमोजोम्स फॉर्म करते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्रोमोजोम्स के फॉर्म में ये जो है डीएनए आपका क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो चुका है, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, तो हर एक क्रोमोजोम जो है उसमें 2 क्रोमेटिड्स मौजूद है, देख रहे हैं ना, 2 लाइन जैसा है ना जो आपस में जुड़ा हुआ है, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं ये, जो कि आपस में सेंट्रोमियर के जरिए जो है जुड़े होते हैं। सो दिस इज 1 क्रोमेटिड और बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। ओके, अब आउटसाइड द न्यूक्लियस स्पिंडल जो 2 सेंट्रियोल्स हैं इनसे स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्म होना शुरू होगा। ओके, और ये जो है सेल के अपोजिट एंड की तरफ जो है मूव कर जाएंगे। प्रोफेज के अंत में क्या हो जाएगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो जाएगा। एक बार क्विकली हम लोग रिव्यू कर लें, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोजोम बनाएगा। हर एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ये 2 क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये आपस में सेंट्रोमियर की हेल्प से जो है जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल्स जो है वो 2 अपोजिट एंड की तरफ जो है मूव करेंगे, राइट, और इनसे जो है स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्म होना शुरू होगा, राइट। एंड ऑफ प्रोफेज ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज, ये माइटोसिस का सेकेंड स्टेज हुआ। तो सेंट्रोमियर्स जो है हर एक क्रोमोजोम का, वो जो है स्पिंडल फाइबर के साथ जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, ओके। और ये स्पिंडल फाइबर जो है इनका लेंथ जो है वो चेंज होना शुरू होगा, और ये क्रोमोजोम्स को जो है इक्वेटर ऑफ द सेल के अलोंग जो है ये अरेंज करेंगे। तो दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, दिस इज द इक्वेटर ऑफ द सेल। तो उस लाइन के इर्द गिर्द जो है ये सभी क्रोमोजोम्स को अरेंज कर रहे हैं। कौन अरेंज कर रहा है? ये स्पिंडल फाइबर, जो कि कहाँ से निकला है? सेंट्रियोल से निकला है। तो ये जो है खींच खींच के क्रोमोजोम्स को इस लाइन ऑफ इक्वेटर के इर्द गिर्द जो है अरेंज करेंगे। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस हुआ ये। यहाँ पर सेंट्रोमियर्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट एंड में जो है पुल हो रहे हैं, राइट, स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा। ये फेज कब खत्म होता है? कि जो क्रोमेटिड्स, जो कि अब डॉटर क्रोमोजोम्स कहलाएंगे, ये एक सेट ऑफ डॉटर क्रोमोजोम और ये दूसरा सेट ऑफ डॉटर क्रोमोजोम हुआ, ये दोनों जब इन पोल्स के पास पहुंच जाएंगे तो ये एनाफेज जो है वो खत्म, ओके। यानी कि इस फेज के अंत तक में ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो इस एंड पर पहुंचे, ये डॉटर क्रोमोजोम्स, और ये डॉटर क्रोमोजोम्स जो हैं वो इस एंड पर पहुंच जाएंगे। टेलोफेज, ये जो है फोर्थ और फाइनल फेज है माइटोसिस का। इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हर एक डॉटर क्रोमोजोम के इर्द गिर्द जो है फॉर्म होता है, फिर अंदर में न्यूक्लियोलस जो है वो अपीयर हो जाता है, और तब ये डॉटर क्रोमोजोम्स जो है ये अनवाइंड होकर फिर से क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करने लगती हैं। अब टेलोफेज के बाद आता है फिर फाइनल स्टेज, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जब माइटोसिस कंप्लीट होगा तो दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, एक इधर और एक इधर, ओके। और अब जो है साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में सेल पिंचिंग होती है, ओके। सेल जो है वो इनवर्ड पिंच करता है और ये जो है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है ये, जिन डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल का एग्जैक्ट डीएनए जो है वो मौजूद रहेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो इस तरह से जो है सेल डिवीजन का ये आपका इंटायर साइकिल हो गया। क्या क्या होता है इसमें? तो पहले हमने क्या देखा था कि बेसिकली जो है सेल का ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद जो है क्या होता है सेल्स में हमने देखा, तो बेसिकली जो है न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, फिर जो है क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोजोम के फॉर्म में अरेंज होगा। जब वो क्रोमोजोम के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा उसके बाद जो है न्यूक्लियोलस जो है वो भी, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो भी डिसअपियर हो जाएगा। सेंट्रोजोम्स जो अपोजिट एंड पर मूव कर चुके हैं, उनके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अब इन क्रोमोजोम के बीच में मौजूद जो सेंट्रोमियर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो है अब इन सेंट्रोमियर्स को अलग अलग डायरेक्शन में खींचेंगे, सेंट्रोमियर टूटेगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अब अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव करेंगे, इवेंचुअली जो है अब नया न्यूक्लियस फॉर्म होगा जिसके अंदर ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो फिर से क्रोमैटिन फाइबर के रूप में जो है अनवाइंड हो जाएंगे, और यहाँ से फिर जो है सेल पिंचिंग के जरिए साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर इंटायर सेल डिवीजन प्रोसेस, राइट, विच वी कॉल माइटोसिस। सो वी विल जस्ट यू नो लाइक चेक आउट सम टॉपिक एंड क्वेश्चंस एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। तो आप जो है वीडियो को यहां पर पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपने इन क्वेश्चंस का आंसर कर लिया हो तो नाउ आई विल जस्ट प्ले द फाइनल पार्ट। यहां पर अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकते हैं।
सो वेल स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को माइटोसिस की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, राइट? इन द नेक्स्ट लेसन वी विल चेक आउट मायोसिस, ओके?